हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एटेक स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए हम क्लास 10 का साइंस लेकर चल रहे थे, जिसमें आपको बताए थे कार्बन तथा उसके यौगिक, जिसमें आईपीएससी हमारा चल रहा था, IUPAC इंटरनेशनल इंजीनियर पेयर अप्लाइड केमिस्ट्री, जो आपको बता दिए थे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ हम आपको बताना गए कि आगे बताएंगे, जिसमें आपको बताए थे क्या कि संरचना के आधार पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं संरचना के आधार पर, के आधार पर, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। एक चीज समझिए, संरचना के आधार पर कैसे, आपको पहले हम मूलाक्षर बता देते हैं। मूलाक्षर में आपका मेथ, जब एक कार्बन रहेगा तो मेथ, जब दो कार्बन रहेगा तो एथ, जब तीन कार्बन रहेगा तो प्रोप, जब चार कार्बन रहेगा तो ब्यूट, जब पांच कार्बन रहेगा तो पेंट, जब छह कार्बन रहेगा तो हेक्स, जब सात कार्बन रहेगा तो हेप्ट, जब आठ कार्बन रहेगा तो ऑक्ट, जब नौ कार्बन रहेगा तो नॉन, जब दस कार्बन रहेगा तो डेक, जब ग्यारह कार्बन रहेगा तो ऑन डेक, जब बारह कार्बन रहेगा तो डू डेक। एक चीज समझिए, ये तो हमारा मूलाक्षर हो गया, ये कार्बन की वैल्यू को देखकर हम पहचान लेंगे कौन सा उपयोग करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको और भी तो बताए थे कि जिसमें क्या होगा, सिंगल बांड आएगा तो एन बोलेंगे, डबल बांड आएगा तो इन बोलेंगे, ट्रिपल बांड आएगा तो आइन बोलेंगे, ऐसे कुछ कर कर बताए थे। भाव देखिए, अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, देखेंगे तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से भी बेहतरीन समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आए, लेकिन उसको देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ज़्यादा मिनट का नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो उसको देख लीजिए, उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह बताया गया है। अब इसमें समझते हैं इसमें कैसे होगा संरचना के आधार पर। देखिए, जैसे कार्बन इस तरफ दिया है, क्वेश्चन इसी तरफ, पेपर में क्वेश्चन इसी तरफ करता है, CH3, CH2, CH2, CH3। तो देखिए, इसका बोलेगा क्या, आईपीएससी नामकरण कीजिए, तो क्या करेंगे, देखिए हमको कुछ करना नहीं। देखिए, इसमें कार्बन की वैल्यू को गिनेंगे, देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, जब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, एकल बॉन्ड, तो उसके लिए एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखे भी है कि जब सिंगल बॉन्ड रहे तो एन का, जब डबल बॉन्ड रहे तो इन का, जब ट्रिपल बॉन्ड रहे तो आइन का। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ प्रयोग क्या करेंगे, एन का। तो लिखेंगे क्या, कार्बन की वैल्यू कितने, एक दो तीन चार, चार कार्बन के लिए, चार कार्बन के लिए आपको यूज करने के बोले थे क्या, ब्यूट। तो लिखेंगे क्या, ब्यूट प्लस, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़कर बोलिए, ब्यूटेन हुआ। बहुत आसान है बाबू, जैसे दाल भात का कवर ऐसे सान है गप से ढकेल लिए, एकदम वही है। अब देखिए कि अगला एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसमें आप देखिए कि इसमें क्या है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, या तो इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरफ भी कर सकता है, सी लिख देगा, इस तरफ कर देगा, यच 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 सी यच यच यच, उसके बाद सी यच यच, उसके बाद सी यच यच और यच। अब इसमें देखिए कि इसमें सब दिख आपको क्या रहा है, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे फैलाएंगे, देखेंगे हाइड्रोजन बैलेंस है, मतलब कि इसकी संयोजकता चार कंप्लीट है, कार्बन की संयोजकता क्या है, चार कंप्लीट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड को देखेंगे, चारों तरफ क्या दिख रहा है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग करेंगे। कार्बन कितना है, एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बन के लिए पेंट, देखिए यहाँ पर लिखे है ना, पांच कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेंट का उपयोग करेंगे, प्लस देखिए सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, साथ में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। या तो क्वेश्चन इस तरफ कर सकता है पेपर में, या तो इस तरफ कर सकता है। ठीक है, हम नंबरिंग करने को बताएंगे, जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तब नंबरिंग करना आएगा, अभी फिलहाल नॉर्मल हम लोग चल रहे हैं, इसको पहले करना सीखिए आप लोग। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे कुछ एग्जांपल लेते हैं, ले लिए लोग, ठीक है मिटाते हैं इसको।
देखिए, या तो क्वेश्चन इस तरह भी कर सकता है, देखिए यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर, यहां पर, किताब में देख लीजिएगा एनसीईआरटी वाले में इसी तरह दिया है। इस तरह भी क्वेश्चन कर सकता है, या तो क्वेश्चन इस तरह भी कर देगा, पांच कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर 3 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 2 कर दे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए यही तो हाइड्रोजन है हमारा, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है कार्बन से जुड़ा, इसीलिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन, इस वाले से 2, इस वाले से 2, इस वाले से 3, बस वही उसी तरफ रखे हैं, बस इधर फैला दिया गया है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं, यहाँ पर दिख क्या रहा है आपको, बोलिए, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो अभी हम आपको बताएं कि जब भी सिंगल बॉन्ड दिखे तो आपको क्या करना है, एन का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे क्या इसमें, इस वाले को या इस वाले का, दोनों सेम ही है क्वेश्चन, तो इसमें बोलेंगे एन, सिंगल बॉन्ड बीच में दिख रहा है ना, तो एन किसके साथ में, पहले लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, सॉरी पेंट होगा, पांच कार्बन के लिए पेंट, तो लिखेंगे क्या, पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेंटेन। आ रहा है, आ रहा है तो कमेंट में करते जाइए, बताते जाइए कि आ रहा है, ठीक है, ठीक है। आगे समझते हैं, इधर एक एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3 CH2 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 और CH3, देखिए इतना बड़ा दे दिया, ठीक है। अब इतना बड़ा दे दिया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है इसके बीच में, सबसे पहले देखिए कि क्या दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड, तो चारों तरफ आपको देखिए इसमें सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कार्बन की दो वैल्यू को गिनेंगे, कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हम आपको बाबू अभी बताए हैं कि 7 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, इधर लिखे भी हैं मूलाक्षर हेप्ट, तो लिखेंगे क्या, हेप्ट प्लस, देखिए सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। आया कुछ समझ में, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करते चलिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अब हम लोग देखते हैं बाबू, इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसको क्या कीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कि डबल बॉन्ड वाले को देखते हैं, ठीक है, या क्वेश्चन डबल बॉन्ड वाले में ऐसे कर सकता है, CH2 CH3 CH लिख सकता है, डबल बॉन्ड C, ठीक, उसके बाद CH3। अब देखिए कि इसमें क्या करेंगे, अब एक चीज, एक नियम होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की सबसे लंबी चेन चुनते हैं, तो इसमें तो नॉर्मली दिख रहा है, ठीक है, ऐसे भी इसका नामकरण कर सकते हैं। देखिए क्या है, डबल बॉन्ड बीच में दिख रहा है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, या तो ऐसे नहीं आ रहा है तो इसे संरचना बनाएंगे, CH देखिए, इसे तीन कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन को जोड़ दिया, इससे यच जुड़ा है तो यच को जोड़ देंगे, इससे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर हाइड्रोजन एक जुड़ा है, उसके बाद सी, इससे कितने हाइड्रोजन, 3। तो देखिए कार्बन क्या करेगा, अपना 4 संयोजकता पूर्ण कर रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब हमारा बैलेंस है, तो इसके लिए कुछ हम लोग करेंगे नहीं, इसे बीच में क्या दे दिया, बीच में दे दिया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए हम आपको बताए हैं, इधर अभी लिखें कि डबल बॉन्ड आएगा तो इनका प्रयोग करेंगे, तो कार्बन की वैल्यू को गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए बोलिए, देखिए इधर ब्यूट क्या हो गया, ब्यूट प्लस क्या है, इन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, इस तरफ आप लोग लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। अगर इसी तरफ क्या कर दे, इस तरफ CH3 CH डबल बॉन्ड, या सॉरी यहाँ पर CH2 कर देते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH3। अब इसमें क्या करेंगे, कार्बन की देखेंगे, कार्बन में क्या है, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, या तो इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें नंबरिंग करते हैं, क्या करते हैं, नंबरिंग, कार्बन की सबसे लंबी चेन इस तरह भी कर सकते हैं, या देखिए पहले तो इसका नॉर्मल नेम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट,
क्या करेंगे पेंट प्लस डबल मान है तो इन, तो क्या हो जाएगा पेंटिन हो गया। लेकिन अब एक चीज समझिए, इसको अलग तरीके से भी करते हैं कैसे कि यहाँ पर डबल बांध दिया है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बांध नजदीक है, तो ये डबल बांध किधर से नजदीक है, इधर से कि इधर से, इधर से आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 ठीक है, 5 हो गया। तो देखिए डबल बांध यहाँ पर मिल रहा है हमको, तो लिखेंगे क्या कि देखिए 5 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, और उसके बाद क्या है दो नंबर पर डबल बांध है ना, तो 2 इन। इस तरह भी इसका नामकरण कर सकते हैं, या तो पेंटिन बोल सकते हैं या पेंट पेंट टू इन ये भी बोल सकते हैं, ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है ठीक है। सेम इसमें भी वही बोल सकते थे ऐसे जैसे ये वाला किए। चलिए सिंगल बांड हो गया, डबल बांड हो गया, ट्रिपल बांड को भी देखते हैं और डबल बांड को भी देखते हैं ठीक है। साथ में इसको मिटाए, देखिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कर दें कि CH3C उसके बाद ट्रिपल बांड, पहले डबल बांड को ही करते हैं, एक दो और एग्जांपल कर लें डबल बांड का, उसके बाद CH2 CH3। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, इसमें भी तो यही से एक और कर देते हैं, जोड़ देते हैं CH2 CH3। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, यहाँ पर डबल बांड, कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे हेक्स प्लस इन, डबल बांड दे दिया है इसके लिए इन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिखे हैं देखते रहे यहाँ पर ठीक है, हेक्स प्लस इन इक्वल टू क्या हो जाएगा हेक्सिन। आप लोग कापी कलम लेकर बैठा कीजिए ठीक है, छापा मार लें तुरंत पढ़ाने के बाद, या स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद से इसका दूसरा नेम कैसे कर देंगे, पहले तो कार्बन के सबसे लंबी चेन का चुनाव करेंगे ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि डबल बांड किधर से नजदीक हो रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6 ठीक, तो दो नंबर पर आ रहा है तो क्या बोलेंगे हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स, उसके बाद 2 इन। कुछ समझ में आया, समझ में आया बाबू तो कमेंट कीजिए ठीक है। इस तरफ आगे हम लोग देखते हैं ट्रिपल बांड वाला दे देते हम CH3 C, ट्रिपल बांड C, उसके बाद CH2 CH3, कुछ इस तरफ कर दे तो हम लोग देखते हैं कि क्या इसके बीच में क्या है, कार्बन कार्बन कितना है, टोटल कार्बन की वैल्यू गिनिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट बोले ना, जब कार्बन की बस वैल्यू को काउंट करना है 5 कार्बन के लिए, देखिए यहाँ पर पेंट दिया है ना, 5 कार्बन के लिए पेंट, उसके बाद क्या है ट्रिपल बांड के लिए आयन, तो यहाँ लिख देंगे आयन प्लस आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा पेंटाइन आ रहा है, लास्ट में बोलने पर नाम क्या आ रहा है पेंटाइन आया कि नहीं है, तो आगे हमारा पेंटाइन ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ इस तरफ कर दें, या इसको इस तरफ भी कर देंगे, नंबरिंग करेंगे इस तरफ 1 2 3 4 5, देखिए जिधर से यह नजदीक पड़ेगा उधर ही से नंबरिंग करेंगे, तो इधर से नजदीक पड़ रहा है 1 2 नंबर पर, इधर से 3 नंबर पर आ रहा है 1 2 3, तो इधर से ना हमको नजदीक मिल रहा है, इसीलिए इधर से हम लोग क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे बाबू। तो एक चीज समझिए, ये 2 नंबर पर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट, उसके बाद 2 नंबर पे तो 2 आयन ठीक। आया कुछ समझ में, इसका यह भी नाम हो जाएगा, यह भी नाम हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यह भी नाम बोल सकते हैं और नीचे वाला भी, दोनों नाम बोल सकते हैं। या क्वेश्चन इस तरफ कर दें कि CH3 C, ट्रिपल बांड CH3, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका नामकरण देखेंगे कार्बन की वैल्यू कितनी है, 4 है 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए बोलिए फट से, यहां देखिए ब्यूट प्लस ट्रिपल बांड के लिए आइन, तो बोलेंगे क्या ब्यूटाइन आया। कुछ समझ में आया कि आप लोगों को ठीक है, तो हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। देखिए तीनों को बता दें, सिंगल बांड डबल बांड और ट्रिपल बांड, अब इसमें जितना भी है क्वेश्चन इसको हम आपको देते हैं, आप ट्राई कीजिएगा ठीक है, सब हम लगा देंगे तो बाबू कुछ नहीं आएगा ठीक है, कुछ अपने से कोशिश कीजिए ठीक है। हम देते हैं क्वेश्चन, आप लोग नोट कीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है, हम क्वेश्चन अटेंड करते हैं, इधर देते हैं, आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पहला है CH3 CH2 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 CH2
CH2, CH3। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? CH3, CH2, 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 CH3। ठीक। यह तीसरा क्वेश्चन, CH3, CH2, डबल मान इधर रखते हैं इस तरह, CH2 और CH3। चौथा क्वेश्चन CH3, यह करते हैं इधर CH ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद CH3, इस तरह भी हो गया। हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको न आए इसमें से, आप कमेंट कर देगी सर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा ये नहीं आ रहा है, उसे हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है? या तो कमेंट में ही आपको हम जवाब दे देंगे। तो इधर देखिए, यहाँ पर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH, दो एक तीन, ठीक, एक ठीक, CH2, CH2 और CH3। कितना? पांचवा क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। छठवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में क्या दिया है? CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3। अब एक चीज बाबू देखिए, इतना तो क्वेश्चन आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाएंगे तो किस तरह नामकरण करेंगे, तो अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, इसका नामकरण कर कमेंट में बताइए कि हमको सर आ गया कि नहीं आ गया, जरूर कमेंट में बोलिए, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और एक काम करते हैं कि अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है? नोट कीजिए।